जय हिंद दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बड़ा बवाल चला हुआ है, स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, एयरड्रॉप, इनका क्या ट्रीटमेंट करना है इनकम टैक्स रिटर्न में। बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं मेरे पास, जिसमें से कुछ जिनकी आईटीआर हमने फाइल किया उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर की थी जो कुछ हद तक मुझे ठीक नहीं लगी, इसलिए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं आपके साथ हूँ। आप कहते हो जी टैक्स नहीं लगना चाहिए, किस तरीके से बच सकते हैं, लेकिन मैं लॉ को निग्लेक्ट नहीं कर सकता। ये दोस्तों स्टेकिंग, रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, एयरड्रॉप, मैं कहता हूं इस पे फ्लैट टैक्स लगेगा जी। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई साहब, गिफ्ट्स तो एग्जेम्प्ट है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, गिफ्ट्स तो एग्जेम्प्ट है। चलिए आइए हम लॉ समझते हैं कि लॉ क्या कहते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी ने ईयर 2000 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, सेक्शन 56 है जो गिफ्ट्स को गवर्न करता है। आप गूगल पे डालिए सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, आपको पूरा सेक्शन 56 आ जाएगा। आप उसमें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि क्या कहता है सेक्शन 56। ईयर 2000 में मेरे पिताजी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए 5 लाख रुपए की, ठीक है दोस्तों। मैं हूं जी राहुल। राहुल को उनके पिताजी ने ईयर 2020 में ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी मान लीजिए 2 CR, ठीक है दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या राहुल को ईयर 2020 में जब 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली क्या कोई टैक्स देना है? गिफ्ट्स फ्रॉम ए रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट। परफेक्ट है जी, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव आर एग्जेम्प्ट। पिताजी मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर्टी दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या पिताजी को कोई टैक्स लगेगा? नहीं, पिताजी को भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। फादर साहब को भी कोई टैक्स नहीं देना, मेरे को भी कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है जी, परफेक्ट है। सर आप तो कह रहे थे टैक्स लगेगा, अभी रुको। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को ईयर 2023 में बेच दिया, मैंने इसको बेचा सपोज 3 करोड़ में। क्या अब राहुल को टैक्स देना है? राहुल ने ईयर 2023 में इसको 3 करोड़ का बेचा। द आंसर इज यस। सर ये तो गिफ्ट पे तो कोई टैक्स था ही नहीं। अरे भैया गिफ्ट मिलते वाली ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं था, लेकिन जब आपने गिफ्ट बेच दिया तो टैक्स लगेगा। अब बताओ सेल माइनस परचेज कॉस्ट क्या हुई? राहुल ने 3 करोड़ रुपए रिसीव करे, राहुल की कॉस्ट क्या हुई? सर प्लीज 2 करोड़ ले लो ना। क्या राहुल ने 2 करोड़ रुपए दिए थे? नहीं। अब राहुल ने अगर प्रॉपर्टी को गिफ्ट से मिला तो जो राहुल के फादर साहब की कॉस्ट थी वही कॉस्ट राहुल के लिए मानी जाएगी। समझे हो? सर एक बार दोबारा से बता दो, राहुल को प्रॉपर्टी उनके फादर साहब ने 2020 में गिफ्ट कर दी जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए की उनके फादर साहब ने खरीदी थी। राहुल ने उसको 3 करोड़ की बेच दी। ये 2 करोड़ रुपए की गिफ्ट के दिन पे वैल्यू इस केस के लिए नल एंड वॉइड है, इसका कोई यूज नहीं है। 3 करोड़ माइनस 5 लाख रुपए पे इनकम टैक्स देना है, ये सेटल्ड पोजीशन है। ये मैं कोई नई पोजीशन नहीं बता रहा हूं, इंडियन इनकम टैक्स के अंदर ये पोजीशन सेटल्ड है। आई गेस 2010 में इसमें लास्ट अमेंडमेंट आई थी। अब अगला केस लेके चलता हूं मैं नॉन रिलेटिव से। चलिए जी अब सेकेंड केस लेके चलते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था सुरेश। सुरेश ने ईयर 2020 में मान लीजिए एक प्रॉपर्टी खरीदी, मान लीजिए 5 लाख रुपए की। सुरेश मेरा बहुत अच्छा मित्र था, उसने मेरे को गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी। सर हमको भी ऐसा कोई दोस्त दिलाओ ना जो प्रॉपर्टियां गिफ्ट कर दे। होंगे, आप भी गिफ्ट करो ना, गिफ्ट लेने वाली तरफ मत रहो, देने वाली तरफ रहा करो, ठीक है? सर आप भी ना। ईयर 2023 में मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने बोला राहुल भाई मैं तेरा रिलेटिव तो नहीं हूं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, जिन लोगों को कुछ डाउट है रिलेटिव्स कौन है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक रिलेटिव्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अब वो जाके देख लीजिएगा कि आपका रिलेटिव कौन है और कौन नहीं है। ईयर 2023 में मेरे दोस्त ने मुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी
2 CR। सर मौज हो गई, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई। यहां बैठा था हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक भूत बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, भूत। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा बैठा था, वो कहता है राहुल क्या सुरेश तेरा फैमिली रिलेटिव है? मैंने कहा नहीं। कहते एक काम कर, अब तेरे को 2 करोड़ का गिफ्ट मिला है ना, इस पे फ्लैट 30% टैक्स दे दे। मैंने कहा सर गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट है भाई, रिलेटिव से एग्जेम्प्ट है, नॉन रिलेटिव से एग्जेम्प्ट नहीं है। उस दिन जो वैल्यू थी उस प्रॉपर्टी की, फेयर मार्केट वैल्यू, उस पे चुपचाप 30% टैक्स दे दे, या जो भी टैक्स बनता है अपना दे दे। यार ये तो गड़बड़ हो गई। और मैंने कहा सुरेश का क्या करोगे? कहता सुरेश भी फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ मान के उस पे 30% टैक्स देगा। मैंने कहा ले, ये तो दोनों बंदों को टैक्स लग गया, सुरेश को भी देना है मेरे को भी देना है, ये तो डबल नुकसान हो गया। सुरेश कहता है मैंने तेरे को बढ़िया गिफ्ट दिया, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी भी दी और 30% टैक्स भी दे दिया, 60 लाख मैंने दे दिया, 60 लाख तुमने दे दिया गवर्नमेंट को। सर अब क्या करें? मैंने वो प्रॉपर्टी फिर 3 करोड़ की बेच दी। सर अब बताओ क्या करूं? सर आपने 2 करोड़ पे 30% टैक्स पहले ही दिया हुआ था, ये गिफ्ट टैक्स एक तरीके से गवर्नमेंट ने लगाया, जब आप इसको बेचोगे ना तब क्या होगा? जब आप इसको बेचोगे 3 करोड़ का, फिर से 30% टैक्स, क्योंकि गिफ्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो ट्रीट की जाएगी, जो आपने टैक्स दिया है वो भी जीरो ट्रीट किया जाएगा। प्रॉपर्टी का ये थोड़ा सा अलग है रूल, लेकिन हाँ रूल यही है। तो सर फिर हम एयर ड्रॉप का क्या करें? हमारा तो कोई रिलेटिव है ही नहीं जो हमें एयर ड्रॉप दे रहा है, यस टेकिंग की इनकम दे रहा है। अब सोचो दोस्तों, दिमाग लगाओ, अब आइडियली ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? आपको एयर ड्रॉप मिला, मान लीजिए अप टू 50,000 रुपये। देखो 50,000 रुपये तक का गिफ्ट अगर आपको किसी से भी मिल रहा है, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मान लो इसकी 50,000 रुपये तक की है, तो उस पे आपको आज कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपका गिफ्ट अप टू 50,000 है, इवन फ्रॉम नॉन रिलेटिव, तो आज आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन आपको एक बिटकॉइन मिला है, जब आप बिटकॉइन बेचोगे तब तो आपको टैक्स देना है ना मेरे भाई। तो लड़ाई किस बात की है? मैं कौन सा ये कह रहा हूं कि आपको जब बिटकॉइन मिला तो अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के टैक्स दो। मैं भी तो यही कह रहा हूं, जब आप बिटकॉइन बेच रहे हो तब टैक्स दो। लेकिन लोगों ने तो ये मिथ्या बना लिया है कि हमें अगर कुछ भी एयर ड्रॉप के थ्रू मिल रहा है तो उस पर तो टैक्स ही नहीं लगेगा। अरे भाई साहब, एयर ड्रॉप के थ्रू आपको कोई कॉइन मिला होगा, जब वो कॉइन बेचोगे तब तो टैक्स दोगे। दीज आर टू ट्रांजेक्शन। टू ट्रांजेक्शन कैसे है? एक आपको बिटकॉइन मिला इन एयर ड्रॉप, ये एक ट्रांजेक्शन है। यहां पे मैं आपसे पूछूंगा क्या 50,000 रुपये तक का है? आपने कहा 50,000 रुपये तक का है। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, अभी मैं कोई टैक्स नहीं ले रहा, लेकिन जब तुम ये एयर ड्रॉप बेचोगे और पैसे रियलाइज करोगे, बैंक अकाउंट में आए ना आए नथिंग, आपने इसका मोड चेंज कर दिया। मान लीजिए आपको यूएसडीटी मिला था और आपने बिटकॉइन में शिफ्ट कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेल। आपके पास बिटकॉइन आया था, आपने यूएसडीटी में शिफ्ट कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेल। तो मेरे लिए वो सेल है। द मोमेंट यू सेल, टैक्स बिकम्स पेबल, कॉस्ट बिकम्स जीरो, कॉस्ट विल बी जीरो। तो इसीलिए स्टेकिंग इनकम, गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स जो भी मिल रहे हैं भाई, इसको जैसे ही तुम सेल करोगे फ्लैट 30% टैक्स देना ही देना है। अदरवाइज तो क्या होता ना दोस्तों, आप एक बात सोचो, अगर मैं आपके तरीके से चलूं और कहूं इस ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स नहीं है, तो भाई साहब मेरे फादर साहब ने जो ईयर 2000 रुपए में, 2000 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो खुद कभी बेचेंगे ही नहीं ना, वो तो पहले गिफ्ट करेंगे मेरे को। 2022 में उन्होंने मुझे गिफ्ट करी, और गिफ्ट करने के बाद तो मैं इसको चाहे 5 करोड़ का बेच दूं, आपके हिसाब से कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। मेरे पिताजी ने 5 लाख की खरीदी, 2 करोड़ की फेयर मार्केट वैल्यू थी उस दिन, और मैंने इसको 5 करोड़ की बेच दी। अगर मैं आपके हिसाब से चलूंगा तो मुझे तो कोई टैक्स देना ही नहीं है, हर बंदा यही प्लानिंग ही कर लेगा भाई, टैक्स तो लगेगा ही नहीं ना ट्रांजेक्शन के ऊपर। आप ही कह रहे हो गिफ्ट आर एग्जेम्प्ट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों, आप मुझे पता है बहुत सारी वीडियोस देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है कि टैक्स नहीं लग रहा,
लेकिन दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर इस तरीके से होने लग गया टैक्स इवेजन तो गवर्नमेंट के पास तो टैक्स ही नहीं पहुंचेगा, हर बंदा गिफ्ट ही करेगा, 50-50 हजार के 50 अकाउंटों में ट्रांसफर करेगा और सबके टैक्स एग्जम्प्ट, किसी को टैक्स ही नहीं देना, गिफ्ट ही गिफ्ट होंगे इंडिया के अंदर, हर बंदा किसी को गिफ्ट दे रहा होगा। चलिए अब मैं अगला पॉइंट आता हूं, आपको 50,000 से ऊपर का गिफ्ट मिला क्रिप्टो का, मान लीजिए अब आपको एयर ड्रॉप पे 55,000 रुपए का गिफ्ट मिला, ठीक है दोस्तों, अब आपके पास 55,000 रुपए का गिफ्ट अगर आता है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट आपके पास आया दैट टू फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो यह है दोस्तों कि आप इसी दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालो और इस पे टैक्स दे दो, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप जब इसको सेल करोगे, आप जब क्रिप्टो का या तो क्रिप्टो से INR में शिफ्ट करोगे या क्रिप्टो टू क्रिप्टो शिफ्ट करोगे, उस दिन पे जब आपके पास वैल्यू आएगी आप उस पे चुपचाप 30% टैक्स दे दो और इसको अदर सोर्सेज या कहीं पे भी और नहीं लेके जाना, इट इज क्रिप्टो। क्रिप्टो के लिए चाहे आपको सैलरी के लिए में क्रिप्टो मिले, चाहे आप किसी भी चीज के लिए क्रिप्टो मिले, आपने कोई फ्रीलांसिंग काम किया है, कुछ भी किया है, दैट विल बी ट्रीटेड अंडर क्रिप्टो हेड ओनली, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल बनाया है। मेरे को यह भी पता चला है कुछ बंदों ने कैपिटल गेन्स अदर सोर्सेज वगैरह सब उल्ट पुलट जगह ITR में डाल दिया है। तो दोस्तों आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो अपनी 31 दिसंबर 2023 तक, क्योंकि ऑनेस्टली अपने टैक्सेस जमा कराना और कंप्लायंस ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति। बचपन में पढ़ते थे ना इंडिया इज माई कंट्री, तो वो फीलिंग आनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए, और कोई नया हाईवे बन रहा हो ना तो गर्व से कहना कि ये मेरे टैक्स के पैसे से बना है। जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी ना दोस्तों, आप भी देश के बारे में सोचना शुरू करोगे, और कभी भी ये मत सोचना कि मेरा टैक्स BJP को जा रहा है या कांग्रेस को जा रहा है, नहीं, आपका टैक्स इंडिया के लिए जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आपकी और कोई क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा एक पॉइंट और मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहूंगा, कुछ दोस्तों की मेरे पास मल्टीपल कॉल्स आ रही है, सर हमारे पास तो मात्र 800 रुपए की इनकम है, 2000 रुपए की इनकम है, 5000 रुपए की इनकम है। देखो दोस्तों अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स ज्यादा है ना तो आप ITR में जरूर दिखाना। व्हाई आई एम सेइंग सो, ट्रांजेक्शन अगर आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो जरूर ITR में दिखाना। सर प्रॉफिट तो 500 रुपए है, देखो प्रॉफिट चाहे कितना भी हो आपको दिखानी चाहिए। अब एक बंदा आया, सर मेरी तो ट्रांजेक्शन ही 40,000 रुपए तक की है। देखो दोस्तों अगर 40,000 रुपए की ट्रांजेक्शन है या प्रॉफिट है तो मान लीजिए मैं 30% टैक्स लगाता भी हूं उसके ऊपर तो 12,000 रुपए बनते हैं, और क्रिप्टो के अंदर एक ही रिलीफ है बस, 12,500 रुपए तक की रिलीफ अवेलेबल है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम होती थी, अदर इनकम्स नॉट क्रिप्टो इनकम्स, तो आपको 12,500 रुपए तक की रिलीफ मिलती थी, तो वही बस रिलीफ आपको 12,500 रुपए की अवेलेबल है। इसलिए अगर आप 40,000 रुपए तक का प्रॉफिट है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आप कोई रिटर्न बेशक से मत डालिए। अगर आपके 40,000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट है तो आप रिटर्न जरूर डालिए एंड कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन, हमारी कंट्री की ग्रोथ में मदद कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर डालिएगा, मेरे को आप लोगों से ही पता चलता है क्या क्या क्वेरीज आ रही हैं, फिर उनके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा ऑफिस का नंबर है दोस्तों, आपको ITR फाइलिंग की लास्ट डेट्स चल रही हैं, आपको अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल दूंगा। जय हिंद दोस्तों। लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन यू मीट इन योर लाइफ, व्हेदर दे आर योर जूनियर्स और सीनियर्स, बिकॉज़ नोबडी नोज़ एवरीथिंग but everybody knows something, and education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.